पावनी माँ गंगा के तट पर लगने लगा तंबू का शहर। आपको बता दें, जनपद अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में लगने वाला ऐतिहासिक मेला इस बार और भी भव्य तरीके से लगाया जा रहा है। तिगरी गंगा मेले में प्रशासनिक स्तर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को नहाने में और साथ ही मेले की सैर करने में परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जहाँ प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सेवा में कड़े इंतजाम किए हैं, वहीं शनिवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। जहां श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से पतित पावनी माँ गंगा के तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगा धाम पर लगने वाला ऐतिहासिक मेले में आने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजाम कर रहे हैं। यहां दीपावली भैया दूज का पर्व करने के बाद श्रद्धालुओं की इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। जहाँ सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर से अपने परिवार के साथ गंगा मेले में पहुँच रहे हैं। इस दौरान भी एसडी एकेडमी के प्रबंधक नितिन धारीवाल भी अपने पूरे परिवार के साथ पतित पावनी माँ गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा धाम तिगरी पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई साहब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफी साल बाद हमें ये रेंका मिली है। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पे? जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लगभग मैं 40 साल का हो गया, 40 साल से लगातार इस गंगा तिगरी धाम पर मैं आ रहा हूँ। तो आप अकेले आते हैं, फैमिली लेकर आते हैं? नहीं, विद फैमिली आते हैं, विद रिश्तेदार। कब तक रुकेंगे यहाँ पर? लगभग 27 तारीख तक। 27 तारीख तक? हाँ जी। तो यहीं पर स्नान, यहीं पर भोजन, सब कुछ भाई साहब, सब कुछ यहीं पर। एक बात करें तो हम लगभग भाई साहब इस बार बहुत अच्छी सी लग रही है हमें। पहले से ज्यादा कैसा व्यवस्था? हाँ, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार एक्चुअल में रेंका मिली है हमें करीब 10 साल बाद के बाद महसूस। जो श्रद्धालु को ये संदेश देना चाहते हैं, भाई साहब हर बार इस गंगा धाम तिगरी पर आओ, बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन हमारे तो ये होता है कि जब से हम जन्म लेते हैं हमारे बाल भी यहीं उतरते हैं और मरने के बाद भी हम यहीं आते हैं।